तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होने। मैं तो एकदम बीमार हूँ क्योंकि मुझको जुकाम हो गया ना। रात को मैं बिना कंबल का सो गया था, तो रात भर बारिश हो रही थी, तो इतनी ठंड लगी ना, मेरे को कंबल ओढ़ने तक का मौका नहीं मिला। रात को मैं सोचा नींद में क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सुबह देखा तो नाक पूरा बंद हो गया था। तो यहाँ देखो यार, अभी भी मौसम बिल्कुल ख़राब है। अभी बाहर जाके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। रात से ही ऐसी बारिश हो रही इतनी तगड़ी, तो कोई भी बाहर मत निकलना, अपने घरों से सेफ रहना। क्योंकि मैं कल न्यूज़ देख रहा था ना, तो मंडी साइड तो इतनी भयंकर बारिश हुई ना, तो वहाँ पे ब्यास नदी के किनारे मतलब बाढ़ ही आ गया। तो अपने घरों में बिल्कुल सेफ रहना, मैं तो यही करूँगा। तो अभी मैं सोच रहा था सेंटर जाने के लिए, तो जाके भी क्या फ़ायदा, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, लाइट आ रही है जा रही है, तो सब काम तो वहाँ लाइट का ही होता है कंप्यूटर में। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार दोस्तों से पूछता हूँ जा रहे कि नहीं जा रहे। तो यार दोस्तों, अभी मैंने अपने फ्रेंड्स को तो कॉल किया था, तो उन लोगों ने बोला इतने बारिश में पागल हो रहा है, कहाँ जा रहा है। वो लोग भी नहीं आ रहे, तो मैंने भी सोचा मैं अकेले ले जाके क्या ही करूँगा। हाँ, सेंटर तो नहीं जाऊँगा आज, वैसे भी हफ्ते का लास्ट वीक है, आज लेग्स का वर्कआउट है। मेरे को गेनिंग स्टार्ट करते करते 1 वीक होने वाला है कम्प्लीट। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉगिंग किया जाए, आज लेग्स का वर्कआउट दिखाऊँगा आप लोगों को। पूरा हैवी मारने को बोला है मेरे को गुरु जी ने। तो अभी चलो अपना मील लेते, बाकी बारिश तो ऐसे होती रहेगी, पता नहीं कब तक होगी। तो अपना रूटीन तो बिगाड़ नहीं सकते ना बारिश के पीछे। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं, वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है। तो यार फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ शॉप थोड़ा बहुत सामान लेने, पर ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। रात से बारिश हो रही है, पता नहीं कब तक होगी, बड़ा नुकसान हो गया। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था ना, तो मंडी कुल्लू और पता नहीं कौन सा था, वहाँ पे तो बड़े ही नुकसान हो गया यार बाढ़ आके। तो अपने घरों में सेफ रहना, बाकी क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। पहले थोड़ा डाइट का सामान लेने जाते, ये देखो पहले बारिश आप लोग। हर जगह पानी बह रहा है, यहाँ देखो नीचे से रास्ते में भी पानी बह रहा है। बारिश में पता नहीं ये गाय बैल कहाँ पे जाएंगे, तो क्या करना यार, अब इनको रखने के लिए जगह भी नहीं है, बाकी ये चले जाएंगे कहीं गुफा में। अभी यार सामान तो ले लिया, पर अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्लाइड हो गया। यहाँ देखो मैं, ये देखो यार पूरा ही गिर गया ये, अभी अभी गिरा है। यहाँ से नीचे पत्थर आया, शुक्र है मैं बच गया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बरसात में ना बाहर निकलो ही मत, वैसे भी मना किया है घर से बाहर निकलने को, खासकर तो खड़खुड़ साइड मत जाना, क्योंकि क्या पता चलता है पानी का बहाव इतना बढ़ चुका है ना। बस घर में ही बैठ के रहो जब तक थोड़ा सेफ नहीं होता है, मौसम साफ नहीं होता है। बाकी चलो यार अभी लंच करता हूँ, सामान तो ले लिया है। तो यार दोस्तों, अभी मैं जिम के लिए तैयार तो हो गया हूँ। तैयार क्या, यही पहना है मैंने और बैग लटकाया हुआ है। तो अभी बारिश तो मौसम तो वैसे ही ख़राब है, तो निकलता हूँ, छाता तो है मेरे पास। चलो यार अभी जिम में ही मिलता हूँ, बाकी क्या बोलना आप लोगों को। ये मौसम ही ठीक नहीं हो रहा है, सारा मूड ही ख़राब कर दिया मौसम ने। ये देखो रास्ते में तक पानी भर गया हुआ है, चलने के लिए जगह ही नहीं है। इस बार तो ये बारिश ने खतरनाक ही कर दिया यार सीन। तो चलो यार फटाफट वर्कआउट निपटाता हूँ, उसके बाद रूम आके सो के रहता हूँ, और क्या ही करना। तो पहले वर्कआउट ख़त्म करते हैं, एक तरफ से लेग्स का वर्कआउट मानना तो ज़रूरी है, वरना मैंने जिम नहीं जाना था। वर्कआउट लेग्स का स्किप नहीं करना, बाकी चाहे हो जाए स्किप, पर लेग्स का नहीं करना है, क्योंकि यार लेग्स बहुत वीक है मेरा, देख लेना आप जिम में, दिख जाएगा आप लोगों को। अभी जिम तो पहुंचने वाला हूँ, यहाँ देखो यार सतलुज का भाव कितना बढ़ चुका है, ये देखो इतना तो मैंने पहली बार देखा, कितना भाव बढ़ चुका है। और तो यार 24 घंटे से बारिश हो रही है, और कल भी बारिश है लगातार, पता नहीं कब तक होगी। तो चलो पहुंच गया जिम, वर्कआउट करते उसी बात मिलते हैं आप लोगों से। I don't need a reason, 'cause I don't.
सीढ़ी देखो, ये सीढ़ी चले ही नहीं जा रहा है मेरे से, लंगड़ा से चल रहा हूँ। दोस्तों लेग्स वर्कआउट तो हो गया फिनिश, अब जा रहा हूँ मैं रूम के लिए। अभी एक हफ्ता तो हो गया गेनिंग वर्कआउट और डाइट लेते लेते, अब एक हफ्ते में क्या ही प्रोग्रेस आएगा, थोड़ा बहुत आएगा तो मैं आप लोगों को पूरा बॉडी का कंडीशन ना एक महीने में दिखाऊंगा जब वन मंथ कंप्लीट हो जाएगा। वर्कआउट इतना हैवी हो गया ना, ये देखो ये सीढ़ियाँ तक नहीं चली जा रही मेरे से ऊपर को, वहाँ जिम से तो नीचे को भी नहीं उतरा जा रहा था, ऐसा लग रहा पाँव हवे में। तो चलो अच्छा हो गया वर्कआउट, तो मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। अब तो इतना बोलूँ मैं आप लोगों को, कर दिया करो सब्सक्राइब, कुछ नहीं जाएगा, एक बटन दबाना है। तो मिलते हैं।